students, good morning. Welcome in new session 2020 and 21. Today we are going to discuss about chapter number 1. ठीक है, अब chapter number 1 में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो हम chapter के बारे में देख कर ही बता पाएंगे कि chapter के बारे में हमें क्या पढ़ना है. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं general introduction की, chapter में क्या बताया गया है. अच्छा, chapter में बताया गया है कि कौन कौन से plants के parts होंगे. ठीक है, plant कितने parts में divided होगा, और उसके अलावा क्या बताया गया है कि उन प्लांट पार्ट मतलब प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होंगे. ठीक है, यानी क्या अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वो, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. अच्छा, जनरल सी मतलब जनरल नॉलेज है कि प्लांट क्या होता है, सबको पता है. ठीक है, सभी ने देखा है, क्योंकि आप इतने बड़े तो हो चुके हो कि आप प्लांट को देखा होगा आपने, और ये भी चीज़ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसमें क्या क्या पार्ट्स लगे हुए होते हैं. ठीक है, तो हम हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जनरल में हम बात करें तो प्लांट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, अर्थ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन देते हैं, और उस ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं. ठीक है, ब्रीदिंग में यूज़ करते हैं. अब उसके अलावा प्लांट जो है वो हमारे नेचर को बहुत सुंदर दिखाते हैं, इफेक्टिव अट्रैक्टिव बनाते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है जो आपको पता होगी. अब हम बात करते हैं कि अगर डिटेल्स हम स्टडी करें तो प्लांट्स के अंदर क्या क्या पार्ट्स होंगे और वो किस तरीके से क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे. तो सबसे पहले हम डायग्राम से देख लेते हैं कि प्लांट जो है वो कैसा दिखाई देता है. ठीक है, तो ये एक जनरल डायग्राम बना हुआ है आपके सामने. ठीक है, अब ये प्लांट दिखाई दे रहा है आपको. प्लांट मेजरली मेनली अगर हम बात करें तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. ठीक है, एक पार्ट होता है उसका रूट पार्ट और एक पार्ट होता है शूट पार्ट. ठीक है, अब रूट पार्ट जो होता है वो सॉइल के अंदर होता है. ठीक है, यानी ग्राउंड के अंदर मिलेगा, और शूट पार्ट जो है वो सॉइल के ऊपर मिलेगा, यानी विजिबल पार्ट कौन सा हुआ, शूट पार्ट विजिबल हुआ. ठीक है, क्योंकि वो दिखाई देगा अपने आप से. रूट को तो आप तभी देख पाओगे जब आप किसी प्लांट को बिल्कुल जमीन से निकाल दोगे. ठीक है, तभी आप देख पाओगे कि रूट पार्ट जो है वो कैसा होता है. तो मेनली डिवाइड अगर हम करें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि ठीक है, प्लांट जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, शूट पार्ट होगा और रूट पार्ट होगा. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं और भी डिटेल में कि शूट पार्ट और रूट पार्ट में भी क्या क्या चीज़ें हो सकती है. तो देखो, रूट पार्ट में तो जनरल आपको रूट्स मिलेंगी. ठीक है, तो आप इसको देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रूट पार्ट्स के अंदर जो है वो क्या आ जाएगा, रूट्स आ जाएंगी. शूट पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं. ठीक है, जो आपको देखना जरूरी है और पता भी होना चाहिए कि किस तरीके के क्या होंगे, तो आपको देखने पर यानी ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उनको. तो अगर हम बात करते हैं कि शूट पार्ट में कौन कौन से पार्ट हैं, तो आपने जनरल देखा होगा कि शूट में फ्रूट्स लगे हुए होते हैं, स्टेम होता है, लीव्स होती हैं. ठीक है, उसके अलावा फ्लावर होता है. तो ये चीज़ें तो आपको पता है, दो तीन टर्म्स जो नई है जो आपको जानना जरूरी है. ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हो गई, दो चीज़ आप यहाँ से देखेंगे. एक तो नोड आपको पता होनी चाहिए कि नोड जो है वो क्या होती है. अच्छा, नोड जो है वो ऐसा पार्ट होता है जहाँ से कोई भी ब्रांचेस निकलती हैं. ठीक है, क्योंकि स्टेम जो है वो स्ट्रेट होता है और उसी में से ब्रांचेस निकलती हैं, तो ब्रांचेस जहाँ से निकलती है वो क्या होगा, नोड पार्ट होगा. अब दो नोड पार्ट के बीच में यानी बिटवीन वाला पार्ट जो होगा, जैसे यहाँ पर एक नोड है और उसके बाद यहाँ नोड है, तो इन दोनों के बीच वाला, इन बिटवीन वाला जो पोर्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं. ठीक है, अब ये दो पार्ट आपको समझ में आ गया कि नोड और इंटरनोड क्या होंगे. उसके बाद में एक चीज और आपको याद करनी है, वो क्या है, बट. ठीक है, बट्स क्या होती है. अच्छा, फ्लावर जो है वो बनता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा पहले फ्लावर का शेप और साइज वो छोटा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, यानी लास्ट में वो एक एक्चुअल फ्लावर की शेप लेता है. ठीक है, तो वो एक्चुअल फ्लावर की शेप लेने से पहले जो उसकी इनिशियल स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बट बोलते हैं. ठीक है, तो ये बट्स आपको दिखाई देंगे, इस तरीके की बट्स आपको काफ़ी सारे प्लांट्स पर दिखाई दे देंगी. तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि आपको एक समरी मिल गई कि किस तरीके से हमको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में. तो ये डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए. ठीक है, तो डायग्राम के देखने के बाद आप बता पाओगे कि कौन कौन से पार्ट जो है वो इंक्लूडेड है. अब उसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें क्या है जो हमें पढ़नी है, वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं उन सारे पार्ट्स के हमको फंक्शन पढ़ना जरूरी है कि हर एक का फंक्शन क्या है. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से. ठीक है, अच्छा, फर्स्ट पेज पर आपको कुछ डेफिनेशंस दी हुई है. ठीक है, तो डेफिनेशंस का हम जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं फटाफट, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है चैप्टर को समझने के लिए. तो हम बात करें तो रूट सिस्टम, रूट सिस्टम में आपको बता चुकी हूँ कि रूट जो है वो अंडर द सॉइल होगा, कि ये ग्राउंड के अंदर मिलेगा. रूट सिस्टम आपको पता चल गया. ठीक है, द पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी दैट लाइज अंडर द सॉइल. ठीक है, सॉइल के अंदर मिलेगा. शूट सिस्टम की बात करें तो द पार्ट ऑफ द प्लांट प्लांट बॉडी दैट लाइज अबव द सॉइल, यानी सॉइल के ऊपर जो मिलेगा. ये सब चीज़ें समझा चुकी हूँ मैं आपको. प्राइमरी रूट्स की अगर हम बात करें तो प्राइमरी, अच्छा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट. ठीक है, सेकेंडरी का मतलब होता है सेकेंड और टर्शरी का मतलब होता है थर्ड. तो हम प्राइमरी की बात करेंगे, सबसे पहले जो रूट्स होंगी. ठीक है, सबसे पहले वाली जो रूट होगी वो प्राइमरी रूट, उससे फिर जो और सब रूट्स बनेंगी वो सेकेंडरी, और सेकेंडरी से भी जो सब रूट्स बनेंगी वो क्या कहलाएंगी, टर्शरी रूट्स कहलाएंगी. तो ये तीनों आपको दी हुई है.
अब रूट्स के टाइप्स में देखा हुआ है कि दो दो टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपको टाइप्स में बताया हुआ है, एक तो फाइब्रस रूट बताया हुआ है और एक और बताया हुआ है आपको टैप रूट, ठीक है, जो कि हम जब रूट पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल से पढ़ा दूंगी। उसके बाद रूट हेयर्स बताया हुआ है। अच्छा, रूट जो होती है, जैसे सपोज ये रूट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इनके छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, रूट हेयर्स बोला जाता है। अब इन रूट हेयर्स का काम क्या होता है कि जैसे सॉइल रूट का काम क्या है, जमीन में से जो भी चीजें उनको एब्जॉर्ब करेंगे और पूरे प्लांट बॉडी तक पहुंचाएंगे, तो ये रूट हेयर जो है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम क्या होता है, जैसे किसी भी स्टेम को आप अगर कट करके देखोगे तो आपको अंदर स्ट्रक्चर दिखाई देगी, और वो अंदर स्ट्रक्चर कैसी होगी, जैसे पाइप जैसा होता है ना, जैसे हम क्या करते हैं घर में, अगर हमें पानी ऊपर चढ़ाना है या कहीं पे सब मतलब ट्रांसपोर्ट करना है, उसको पहुंचाना है, तो हम क्या करते हैं पाइप लगा देते हैं, ठीक है, किसी भी एक मेन टेप से हम पाइप लगा देते हैं और उससे हम वाटर को जो है सप्लाई कर देते हैं। सेम बेसिक कंडीशन होती है, जो जाइलम होता है वो क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होती है, जो क्या करती है प्लांट के हर एक पार्ट तक, ठीक है, कंडक्शन का काम करती है, कोई भी मिनरल होगा, वाटर होगा, जो भी सारी चीजें जो कि ट्रांसपोर्ट की जरूरत है जिसको, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी, ठीक है। तो जाइलम ये पता चल गया आपको। उसके बाद हर्बेशियस रूट स्टेम होता है, ठीक है, और स्टेम के टाइप से जो हम देख लेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है। मतलब ये डेफिनेशन जो है आपको एक बार अगर आप रीड करोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगी। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो प्लांट्स की एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वो क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमारे चैप्टर पे स्विच करते हैं, चैप्टर में क्या कर दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको चैप्टर में यही डायग्राम बना के दिखाया हुआ है कि आपके रूट और फूड पार्ट जो है वो क्या होता है, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हम रूट सिस्टम की बात करें तो रूट सिस्टम क्या होता है, आपको पता है रूट सिस्टम कहाँ होगा, जमीन के अंदर यानी सॉइल के अंदर अंदर ही होगा, जब आप किसी प्लांट को क्या करोगे, कोई भी यंग प्लांट है, छोटा प्लांट है, ठीक है, उसको आप अगर खार के देखोगे तो आपको रूट्स दिखाई देंगे। तो उन रूट्स को हम कब देख पाएंगे, जब हम पूरे प्लांट को डैमेज करें, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल अगर हम बात करें तो बड़ा कोई भी ट्री है तो उसकी रूट्स को आप देख पाओगे या नहीं देख पाओगे। अब रूट्स क्या होती है, दो टाइप की रूट्स होती हैं, ठीक है। अगर आप देखना चाहेंगे तो एक आपके नंबर वन टाइप जो है वो होगा टैप रूट, और सेकंड टाइप जो है वो भी वो फाइब्रस रूट। अच्छा, टैप रूट क्या होती है, जैसे हम बात कर रहे थे, मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बताया था, ठीक है। मैं अगर हम यहाँ से समझाने की कोशिश करूँ तो सपोज ये एक रूट है, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाली रूट सबसे पहले बनी, अब इससे सेकेंड वाली रूट बन गई, ठीक है, और सेकेंड वाली रूट से भी वापस रूट बन गई। तो इस तरीके की रूट जब मिलेंगी तो उनको हम क्या बोलेंगे, टैप रूट बोलेंगे, ठीक है। यानी पहले स्टार्टिंग रूट बनेगी, ठीक है, फर्स्ट में, फिर उसके बाद और उससे बनेंगे, और उसके बाद में उससे भी और उसकी सब ब्रांचेस बनती जाएंगी। तो ये क्या होता है, फर्स्ट वाली जो रूट बनी है उसको प्राइमरी बोलेंगे, सेकंड में जो बनी है उसको सेकेंडरी बोलेंगे, और लास्ट में जो थर्ड नंबर पर बनी है उसको टर्शरी बोलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ थर्ड पे खत्म हो सकता है, और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है ये सिनेरियो। तो इस तरीके की रूट जो है वो क्या कहलाती है, टैप रूट कहलाती है। अब हम बात करते हैं किसकी, फाइब्रस रूट की। अब फाइब्रस रूट जो है वो इससे जस्ट अपोजिट होंगी, इसमें तो क्या था, एक मेन रूट थी और उससे फिर बाकी रूट्स निकल रही थी। लेकिन फाइब्रस रूट में क्या होगा, उसमें कोई मेन रूट नहीं होगी, उसमें क्या होगा, जैसे ये ग्राउंड पार्ट है, ठीक है, यहाँ से प्लांट जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हुआ, तो इसमें क्या होगा, सारी ब्रांचेस अपने अपने अकॉर्डिंग निकलती जाएंगी, ठीक है। यानी डिफरेंस समझ में आ रहा है कि टैप रूट जो है उसमें एक मेन रूट होगी, लेकिन फाइब्रस रूट में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपको पता चल गया कि फाइब्रस रूट और टैप रूट जो है वो किस तरीके की होती है। अब बुक में अगर आप रीड करोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है, कि किस तरीके की क्या रूट होती है। अगर हम फाइब्रस रूट की बात करें तो इसके एग्जांपल में अनियन आएगा, ठीक है। और अगर आप बात करते हो इसकी टैप रूट की, तो टैप रूट में आप देख सकते हो कि टैप रूट में मस्टर्ड भी आ सकता है, ग्राम प्लांट्स भी आ सकते हैं। यानी अगर जब आप रीड करोगे बुक को तो आपको समझ में आ जाएगा ईजी गोइंग की क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन रीडिंग ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक आपको समझ में आए इजी गोइंग उस तरीके से पढ़ाना चाह रही हूँ कि आपको आराम से चीज़ें समझ में आ जाए। लेकिन केवल रीडिंग करना हमारा पर्पज़ नहीं है, ठीक है। उसको रीड करके आपको क्या करना है, समझना भी है। अगर हम बात करें फंक्शंस की, कि रूट के फंक्शंस क्या होते हैं। अच्छा, नॉर्मल जैसा मैं इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ तो समझ में आ रहा है कि रूट्स क्या करेंगी। अच्छा, जनरल अगर हम बात करें, थोड़ा अपने माइंड को प्रेशराइज करोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि रूट्स जो है वो क्या कर रही है। प्लांट का सबसे स्टार्टिंग पार्ट कौन सा है, रूट्स ही है। अफकोर्स ये चीज़ तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स है, तो रूट्स क्या कर रही है, पूरे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। यानी वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है एक एक्चुअल कंडीशन में खड़ा रखने के लिए। दूसरी अगर हम बात करें कि जमीन के अंदर क्या होता है, वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। तो अब मैं आपको इसमें से बता देती हूँ कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं।
सबसे पहले हम बात करें फंक्शन में तो क्या आएगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब वर्ड से बना है, ठीक है। एब्जॉर्ब करना मतलब सोखना, जैसे आप क्या करते हो स्पंज को पानी के ऊपर रखते हो पूरे पानी को सोख लेता है, ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट्स इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। अब ये वाटर एंड मिनरल सॉल्ट जो भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होंगे उनको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और बाकी जो फर्दर प्लांट के पार्ट है वहां तक उसको पहुंचाने का काम करेगी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अच्छा इसी में आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। उस एक्टिविटी में किसके बारे में बताया गया है, रूट हेयर्स के बारे में बताया गया है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि रूट्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है, ठीक है। जो भी वाटर मिनरल्स जो भी होंगे उनको एब्जॉर्ब करने का काम करेगी, तो रूट हेयर्स का काम पता चल गया आपको। कंडक्शन की अगर हम बात करें तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से कोई भी चीज उठाई और उसको हर जगह पर पहुंचा दिया, ठीक है। तो रूट्स यही तो काम कर रही है। द वाटर एंड मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर, ठीक है। रूट हेयर क्या करते हैं, उन वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। अच्छा क्या किया उसने, यहाँ पे सपोज वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट है, ठीक है, इनको उन्होंने, ये रूट हेयर्स प्रेजेंट है यहाँ पे, रूट हेयर्स ने क्या किया, इनको एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद में ऊपर जितने भी फर्दर प्लांट के पार्ट प्रेजेंट है वहां तक उसको कंडक्ट कर दिया, ठीक है, यानी उसको कंडक्शन का काम किया। तो कंडक्शन समझ में आ गया कि नीचे से कोई भी चीज एब्जॉर्ब की है मतलब जमीन में से और उसको फिर सारे पार्ट तक पहुंचाने का काम किया। उसके बाद में इसी में आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी आप खुद रीड करेंगे और एक्टिविटी में आपको एक टर्म समझाई हुई है जाइलम, ठीक है। अब जाइलम जो है वो क्या होगा, अब मैं आपको डिटेल से इसके डायग्राम को समझा देती हूँ। जैसे सपोज ये रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स के बीच बीच में क्या करते हैं, क्योंकि ये हमें आउटर स्ट्रक्चर दिखाई गई है, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो बीच में ट्यूब लाइक थिन ट्यूब प्रेजेंट होती है और वो ट्यूब्स क्या करती है, यहाँ से लेकर और सारी चीजों को ऊपर ट्रांसफर करने का काम करती है। जैसे हम क्या करते हैं, घर में मोटर लगा देते हैं, ठीक है, मोटर एक किसी मेन टेप से जो कनेक्ट करके मोटर लगा देते हैं, ऊपर जो भी ऊपर पानी का जो भी चीज रखी हुई है टंकी वगैरह उसमें पानी भर जाता है। सेम कंडीशन यहाँ होती है कि नीचे जो है रूट्स हेयर्स और रूट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, जाइलम उसको ऊपर तक ट्रांसलोकेट करने का काम करते हैं, ठीक है। सारे बात समझ में, दो फंक्शन हो गए। अब तीसरे फंक्शन की बात करें तो क्या होता है, फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब होता है फिक्स करना। अच्छा रूट्स का मैंने बताया आपको, ब्रांचेस बनी हुई होती है, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है, और वो ब्रांचेस क्या करती है, सॉइल को होल्ड करके रखने का काम करती है। वो जैसे ही सॉइल को होल्ड करके रखेंगे, यानी हम क्या करते हैं, हम हमारे हाथों से क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को होल्ड करते हैं तो वो पकड़ में आ जाती है हमारे, ठीक है। सेम प्लांट्स के साथ होता है, रूट्स क्या करती है, सॉइल को होल्ड करके रखती है जिसकी वजह से प्लांट पूरा स्ट्रेट खड़ा रहता है, ठीक है, यानी उसको एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट हम बात करें फंक्शन की, तो नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। फूड क्या, प्लांट जो रूट्स हैं वो क्या करेगी, फूड को स्टोर करने का भी काम करेगी। अच्छा तो रूट्स के फंक्शन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, फंक्शन में हम पढ़ चुके हैं सारा जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अच्छा रूट्स क्या करती है, फूड को स्टोर करने का काम करती है, मतलब कुछ रूट्स ऐसी होती है जो फूड को स्टोर करती है और उन रूट्स को हम एज अ फूड काम में लेते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स का पता है आपको, क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और उसी के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, और वो खाना जो है जितना उनका यूटिलाइज होना होता है उसका यूटिलाइज कर लेते हैं, बाकी बचा हुआ खाना जो है वो रूट्स में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो रूट्स ऑफ सम प्लांट्स ऑल्सो स्टोर फूड, एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स आर रेडिश, कैरेट, स्वीट पोटैटो एंड टर्निप, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देखा ना, खाते हो आप घर में, तो वी ईट द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स, इन प्लांट्स की रूट्स को हम क्या कर सकते हैं, एज अ फूड काम में ले सकते हैं। अगर शूट सिस्टम की बात करें तो शूट सिस्टम में हम सबसे पहले देख लेते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम आपको पता है, जो सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं उनका स्टेम, जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनका स्टेम सॉफ्ट होता है, बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं उनका स्टेम जो बहुत हार्ड होता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं हम, ठीक है। तो दो टाइप के स्टेम्स मिल सकते हैं, हर्बेशियस स्टेम हो सकता है, वुडी स्टेम हो सकता है। हर्बेशियस स्टेम का मतलब क्या होगा कि जैसे छोटे जो भी प्लांट्स होंगे, यंग प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उनका जो स्टेम होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है, और सॉफ्ट प्लांट के मतलब उस स्टेम को ही हम क्या बोलते हैं, हर्बेशियस स्टेम बोलते हैं। अब बड़े बड़े ट्रीज आपने देखे उनका स्टेम बहुत हार्ड होता है, ठीक है, वो हार्ड स्टेम जो है वो क्या कहलाता है, वुडी स्टेम कहलाता है, ठीक है। अब आपने, मैंने दो चीज़ें और बताई थी आपको जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था कि नोड्स और इंटरनोड्स जो है वो भी प्रेजेंट होती है किसके अंदर, स्टेम के अंदर, तो वो चीज़ आपको पता ही है, ठीक है। हम डायग्राम से फिर से देख सकते हैं कि ये जो वाला पार्ट था हमारा वो हमने नोड पार्ट देखा था और उसके दो नोड्स के बीच वाला पार्ट जो था वो क्या था, इंटरनोड था, ठीक है। तो आगे देखेंगे फंक्शंस की अगर हम बात करें स्टेम की, क्या क्या फंक्शंस होंगे, ठीक है।
तो सेम वही जो रूट्स का फंक्शन था कंडक्शन करने का, ठीक है। कंडक्शन का मतलब बताया था मैंने आपको, चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, यानी चीजों में क्या होगा, वाटर हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, सॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है, जिनको उनको क्या करेगा वो कंडक्शन का काम करेगा। कंडक्शन का काम कौन कर रहा था, जाइलम कर रहे थे, जो कि मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद में हम बात करते हैं सपोर्ट की। तो प्लांट का जो हार्ड पार्ट होता है वो कौन सा होता है, स्टेम होता है, यानी एक तरीके से सपोर्टिंग सिस्टम होता है। पूरे जितने भी शूट सिस्टम के जितने भी अदर पार्ट्स हैं जो कि उसके ऊपर लगे हुए होते हैं, उनको सबको क्या करता है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो फूड का स्टोरेज करता है, जैसा कि हमने रूट वाले सिस्टम में देखा था। उसके फंक्शन में भी हमने देखा था कि रूट जो है वो क्या कर रही थी, फूड को स्टोर करने का काम कर रही थी। जैसा कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि फोटोसिंथेसिस करते हैं वो, और फोटोसिंथेसिस के बाद अपना फूड बनाते हैं, जो भी एक्स्ट्रा फूड होता है उसको स्टोर करके रखते हैं, और उस स्टोर फूड को ही हम क्या करते हैं, एज अ फूड काम में लेते हैं। तो स्टोरेज ऑफ फूड की अगर हम बात करें, सम प्लांट्स स्टोर देयर फूड इन देयर स्टेम लाइक पोटैटो, जिंजर एंड, अच्छा, अरबी का नाम दिया हुआ है आपका, साइंटिफिक नेम दिया हुआ है कोलोकेसिया, तो आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि कुछ स्पेशल टर्म्स होती है जो कि आपको हमेशा याद रखनी होती है। तो ये क्या होते हैं, ये एग्जांपल्स हैं किसके, ऐसी स्टेम्स के जो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, लीफ की, ठीक है, तो लीफ जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, उन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब लीफ के बारे में पहले मैं एक डिटेल से आपको रीड करके बता देती हूँ, उसके बाद डायग्राम के थ्रू समझेंगे। द लीव्स आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस, ठीक है, लीफ जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होगी, कहाँ लगी हुई होगी, ब्रांचेस के ऊपर। द लीव्स अराइजेस फ्रॉम द नोड्स ऑफ अ स्टेम, ठीक है, किसी भी स्टेम की नोड से जो है वो क्या निकलेंगी, लीव्स निकलेंगी। अ लीफ इज अ ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट, ठीक है, प्लांट की ग्रीन स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर होती है। द कलर ऑफ द लीफ इज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ग्रीन लीव्स जो है वो कैसी दिखाई देती है, ग्रीन दिखाई देती है। द फ्लैटेंड सर्फेस ऑफ अ लीफ हेल्प्स टू एब्जॉर्ब मोर सनलाइट, ठीक है, यानी लीफ का जो फ्लैट पार्ट होता है वो क्या हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को हेल्प करेगा, किसमें, एब्जॉर्ब करने में, ठीक है, यानी सनलाइट जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी फोटोसिंथेसिस उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा फूड का फॉर्मेशन उतना ही होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक हेल्दी ग्रोथ को शो कर सकते हैं। तो उसके बाद देखेंगे, अच्छा, स्ट्रक्चर जो है आपकी लीफ की वो मैं एक बता देती हूँ आपको, ठीक है, कि किस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो लीफ का होता है। हम इस डायग्राम को रेज कर देंगे पहले, उसके बाद में देखेंगे कि लीफ जो है वो क्या क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार लीफ में क्या मिलेगा। अच्छा, लीफ का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। आप देख सकते हो कि जिस तरीके से ये हम इस तरीके की एक मतलब स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पे पूरी लीफ जो है वो लगी हुई होती है। अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारी लीफ बना लेती हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है, लीफ के बीच में ये इस तरीके की ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कंडक्शन होगा, यहाँ पर भी क्या किया जाएगा, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, चीज़ों में क्या क्या आएगा, अब मैं बार बार नहीं बोलूँगी आपको, वाटर हो सकता है, मिनरल हो सकते हैं, सॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इससे और भी साइड वेन्स निकलती हैं, ठीक है, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये आपका लीफ का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इस लीफ के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसकी लोअर सरफेस पर, ठीक है, उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। ये स्टोमेटा जो है बहुत हेल्पफुल रोल प्ले करेंगे, तो इसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद में हम बात करें तो ये बीच में जो है वो क्या होगा, ये मेन वेन होगी इसकी, ठीक है, यानी ये क्या करेगी, सारी जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट होकर आएंगी। आप देख पा रहे हो, आप समझने की कोशिश करना, नीचे रूट्स ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया सारा मटेरियल जो था, उसके बाद स्टेम तक गया, स्टेम के बाद ब्रांचेस, और ब्रांचेस से फिर कहाँ गया, लीव्स में। अब लीव्स में भी पहले ट्रांसफर होगा, मेन वेन में जाएगा, उसके बाद में फिर साइड वेन्स होते हैं ये, और उन साइड वेन्स में जो है क्या हो जाएगा, सारी चीजें जो है वो कंडक्ट हो जाएंगे, ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट हो गई, रूट्स जो है वहाँ से स्टेम में गया, स्टेम से ब्रांचेज में, फिर उसके बाद है लीव्स में। तो ये तरीके की लीव की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। लीव एपेक्स होता है, लीव ब्लेड, ये जो इसका फ्लैट पार्ट होता है उसको हम लीव ब्लेड बोलते हैं, ठीक है, और इसका जो ये वाला पार्ट होता है उसको लीव एपेक्स बोलते हैं, ठीक है, और ये सारी स्ट्रक्चर होती है लीव की। अगर हम बात करें फंक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लीफ का, क्या होता है वो है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल रोल प्ले करती है लीव्स। अब हमने पढ़ा था कि लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा होता है, क्लोरोफिल होता है, दोनों का रोल देखेंगे हम। अच्छा, फंक्शंस की अगर हम बात करें, टू एक्सचेंज गैसेस लीव्स हैव माइन्यूट पोर्स ऑन द सरफेस, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ डायग्राम के थ्रू, कि लीव्स की लोअर सरफेस जो होती है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जो कि गैस को एक्सचेंज करने का काम करता है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में गैस को एक्सचेंज करने का काम कौन करता है,
ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप देखना, ठीक है। तो अगर हम बात करें आगे, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर, द ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा, हम जनरल इसको रहने देते हैं, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो होता क्या है। अच्छा, लीव्स का काम क्या है, ठीक है, फूड फैक्ट्री बोला जाता है प्लांट्स का, क्योंकि वो क्या करती है, फूड बनाने का काम करती है, या फिर आप किचन भी बोल सकते हो कि प्लांट्स का किचन जो है वो कौन होती है, लीव्स होती है। अच्छा, एक आपको रिएक्शन दिखाई हुई है रूप में, अगर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों रिएक्ट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है। और उसके बाद में क्या बनेगा, फूड बनेगा, फूड में क्या क्या बनता है, मेन फूड जो है वो बनता है ग्लूकोज, ठीक है। उसके अलावा क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। तो सिंपल, सबसे पहले फूड जो है वो बनता है किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, और उसके बाद में वो किस में स्टोरेज हो जाता है, स्टार्च, ग्लूकोज जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ लिया हमने, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट